और 5 दिन 7 दिन 10 दिन लग जाएंगे आवाम को ढूंढने में कि जी वो कितनी एलोकेशन आपने एजुकेशन को की है, कितनी एलोकेशन आपने मुझे को आप कामयाब हुए ढूंढने में? मेरे को तो 2 दिन लग गए और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि एजुकेशन जब तक मुल्क में नहीं है तो हमारा फ्यूचर नहीं है। और इन्होंने 1% के करीब आसपास इतनी ऑफ GDP एजुकेशन के लिए दी है और हेल्थ के लिए लाइकवाइज। तो जिस नेशन में हेल्थ और एजुकेशन को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, अब आप देखें ईरान में 6% ऑफ GDP उनकी जो हर बच्ची पढ़ रही है। हमें तो किसी और का फिगर यूज ही नहीं करना चाहिए। अभी आई वुड विदाउट एनी वो कहूंगी मैं कि मे बी वी आर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो मतलब कुछ हम क्या देते हैं तालीम को, जो देते हैं उसको भी काट लेते हैं साल के दौरान जाकर। पहला कट लगाते हैं तालीम, पहला कट हम एजुकेशन पे लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन पे जो कट लगता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है और किसी कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि तालीम अब आप देखेंगे। मेरे जहन में एक सवाल बार बार था, इसको इनकॉर्पोरेट करके जवाब दीजिएगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 90 अरब देना, क्या वो जस्टिफाइड है और तालीम को ना देना? मतलब उसकी कंपैरिजन में मैं पूछूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन क्या तालीम को पैसे देना और सेहत को पैसे देना ज्यादा जरूरी नहीं है? देखिए आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया। ज्यादातर हमारे बच्चे जो गरीबों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो जाना बंद हो गए हैं, क्योंकि माँ बाप अब उनको स्कूल भेज ही नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको नौकरियों पर लगाना होता है। छोटे छोटे बच्चों, दे लूज देयर यूथ, दे लूज देयर इनोसेंस, ये उनको एकदम कोई जॉब्स पे, कोई कारपेट वीविंग पे, कभी किसी डोमेस्टिक सर्वेंट के पास, वो नेचुरली अब वो उन्होंने वो हमारी फैमिली सिस्टम है, वो बच्चा भी देखता है कि मेरी बहन मेरे से छोटी भूखी मर रही है, मेरी माँ बेचारी रो रही है, तो वो भी जाके कुछ ना कुछ गार्बेज से उठा के लेके आ जाता है कि जी मैं शायद कंट्रीब्यूट करूं। तो वेरी सैड, वेरी पिटेबल कंडीशन है हमारी मैसेज की। मगर कुछ देना, मैं जब अवाम को कुछ देते हैं ना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बट जब अवाम से कुछ लिया जाता है, अब सब्सिडीज है, ये दिस इज एक बहुत बड़ा जुल्म है हमारी अवाम के लिए। ठीक है, दुनिया में बड़े बड़े इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में या IMF में इट इज अ बैड वर्ड सब्सिडी, दे से नहीं 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 डोंट गिव सब्सिडी ये वो, बट इन आवर कंट्री इट इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी। लेकिन डोंट यू थिंक हमारे बॉसेस जिन्होंने बजट बनाया वो ज्यादा इस दफा IMF में बैठे हुए, ये एक मजबूरी है जिसकी वजह से देहात नहीं तो आपने वो मिनिस्टर्स का भी, अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स का भी पूछा, तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास अपने नहीं है तो हम फिर इम्पोर्टेड लेते हैं। ज्यादातर IMF वर्ल्ड बैंक और ये ओरिएंटेड लोगों को जो कि उनको एक्सेप्टेबल हो उनको लेते हैं, या जिनका उनके साथ कॉन्टेक्ट हो, क्योंकि हमने तो फिर वही बगैर बोल लेकर निकलना है तो हम कहते हैं ये हमारे वो मिनिस्टर साहब को कम से कम मांगना का तरीका तो आए ना, तो उसको ये तो पहले से ही उसका कॉन्टेक्ट तो हो, देने वालों को तो वो जानते हो ना, जो कुछ दे देगा जिसके पास जाएंगे, तो वो ये बहुत वे चलती है, तो इसलिए हमारे भी लिमिटेड हो जाती है चॉइस हमारे। अच्छा, एक तो उन्होंने कुछ बताया नहीं फीस साहब ने, एक तो जो मैं पहले शिकायत आपसे कर ली मैंने कि उन्होंने मतलब ही वाज नॉट क्लियर, उन्होंने बजट स्पीच वाज वेरी वेग, उसमें कोई चीज नहीं दिखाई गई, उन्होंने स्पेसिफिकली बजट स्पीच में हमेशा एलोकेशन टू द वेरियस मेन हेड्स बताई जाती है, और ये भी बताई जाती है कि पहले क्या थी, और दूसरी बात ये बताई जाती है कि जी पैसा कितना है, कितना आएगा, और जो डेफिशिएंट है वो कहाँ से करेंगे। बहुत से लोगों ने ये कहा कि उनको खुद नहीं पता था, तो वो हमें क्या बता देंगे कितना है, कहाँ से आएगा, और जब वो है बैलेंस नहीं हो रहा वो कहाँ से हम पूरा करेंगे। नहीं, बैलेंस तो पता है वो कि हम फॉरेन लोन्स लेंगे, हम मांगेंगे, इतना बड़ा खसारा हम दोबारा लोन से फाइनेंस नहीं कर सकते। आपने लास्ट टाइम लास्ट बजट में इसीलिए तो मार खाई है, आपने एक बड़ी एम्बिशियस बजट दे दी फिगर्स को अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए, और अनरियलिस्टिक होती है, और जब वक्त आता है तो फिर आप 110% ये मान रहे हैं 60% 110% रेज किया है अपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को, ये जो हर गरीब को हर घर को से आपने पैसा लेते हो और हर फैमिली की बजट को आप टच करते हो जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल में 5% 10% 20% सारी चीजों के ऊपर आपने कहा कि हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे, तो सब्सिडीज देखिए बात यह है कि सब्सिडीज के बगैर आप पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी पॉवर्टी लेवल इतनी है,
और दूसरी बात ये है कि जी आपकी जो मार्केट है अनस्टेबल है, आपकी सप्लाई एंड डिमांड सिस्टम ही ऑन द ग्राउंड नहीं है, क्योंकि जब सप्लाई कम होगी तो महंगाई आ जाएगी, जब डिमांड पूरा होगा तो प्राइसेस डाउन। आपके मार्केट टाउन में तो आप चीजें पहुंचा नहीं सकते, आपकी वो अभी तक सिस्टम ही नहीं है। फिर आपके मिडलमैन हैं, फिर आपके वो करप्शन, पाकिस्तान में जो करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, स्मगलिंग, ये चार आइटम्स हैं जो कि पाकिस्तान की वाइटल्स को खा गए हैं। कैंसर, कैंसर की ग्रोथ है। हमारी कोई चीज इस पाकिस्तान में ठीक नहीं हो सकती और ना ठीक होगी, क्योंकि करप्शन, स्मगलिंग, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, ये कौन करता है? ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सियासतदान उनके पीछे हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के कॉरिडोर ऑफ पावर जो से लेके वो मिनिस्टर लेवल तक और उससे भी ऊंचा लोग इन लोगों को पैदा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमारी इकॉनमी ठीक नहीं होगी। तकरीबन 332 अरब रुपए की करप्शन बदउनवानी एक साल के अंदर बताई जा रही है, तो आप देखें कि आधा बजट खसारा फाइनेंस हो जाता है ना। मैं तो एक दफा सेनेट में कहा है कि 60% ऑफ आवर इकॉनमी इज ईटन अवे बाय करप्शन, और मैं ये कहूंगा कि हमारे लोग बड़े ऑनेस्ट हैं, हमारे क्या नाम है मिनिस्टर्स वगैरह, एक भी खड़ा होकर ये नहीं कहा कि मैं गलत कह रहा हूँ, एक ने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। 60% कहता है तो सही है। ये बात करें, यहाँ तो लोग टॉक शोज पे ऑन है, नेशनल टेलीविजन पे आगे कहते हैं कि हम, हमारा भी हक है करप्शन पे थोड़ा बहुत। लोग अब समझने लगे हैं ना, प्रॉब्लम ये हो गया कि, और ये भी आप समझते हैं कि देखिए आपकी इकोनॉमी बजट की जो प्रपोजल है वो सब हेवाए चली जाएंगे, क्योंकि ये एक पैरल इकोनॉमी बन जाती है हर चीज के ऊपर। आप ड्यूटी लगा रहे हैं तो वही चीज स्मगल हो रही है। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड कर्जे लिए, रिकॉर्ड कर्जे लिए इस हुकूमत ने पिछले 2002 साल में, ये उतारेगा कौन, मुझे ये बताएं? मतलब ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्जे आप ले रहे हो एट वेरी वेरी डिफिकल्ट कंडीशनलिटीज, क्योंकि आप फंसे हुए कोने में। अब आप गए डिफेंड पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ इन्होंने सबसे बड़ी गलती की डेमोक्रेटिक वर्ड डाल के। जब आप जाते थे ना दुनिया में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को ढूंढने, तो कोई ना कोई आपको पैसा दे देता था, ये अरब कंट्रीज दे देते थे। जब से उन्होंने डेमोक्रेटिक, वो ऐसे डरे हैं क्योंकि वो उनमें डेमोक्रेसी तो है नहीं किसी अरब मुल्क में, तो उन्होंने आपको पैसा देना ही बंद कर दिया। लास्ट टाइम आपको फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान ने थोड़ा सा पीनट्स अमेरिका ने दिया। नहीं यार, उससे भी काम पाकिस्तान में माजी में जो डेमोक्रेसी चली है वो भी उनके सामने, तो हो सकता है उससे भी डर, वो उससे भी डर गई, या हमारी हरकतों से डर गई, या हम लोग ओवर स्टेप कर गए हैं। वो जैसे एक ट्रैफिक लाइट पे आप रुकते हो तो पहली दफा कोई फकीर आता है या कुछ नहीं कहता, तो आप 5 रुपए का नोट निकाल के दे देते हो, मगर वो जब खिड़की को टैप करता है, कार को मारना शुरू कर देता है या हिलाना शुरू कर देता है, तो आप गुस्से हो जाते हो, शायद वो लोग अब हमसे गुस्से हो गए। एक तो ये, दूसरा ये कि आपने करना है फॉरेन, तो आप जाते हैं आईएमएफ के पास। आईएमएफ इज वेरी टफ, वो तो फिर कंडीशनलिटीज है, और वो कंडीशनलिटीज आप देख लें कि हर 6 महीने के बाद वो कहते हैं कि टैरिफ बढ़ाओ इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, वो उसका गैस का। उसके बाद आप अपना पीओएल दुनिया में 1 साल में 2 साल में, ये जो हम आखिरी 2 साल जो हमें याद रहते हैं, फायदा हुआ है पेट्रोल का, क्योंकि कीमतें गिरी हैं 140 से $40 तक। डीजल की कीमतें 100% यहाँ पे बढ़ी, मिट्टी के तेल की कीमतें पता नहीं 46%। मगर पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये जो पेट्रोल कीमतें डाउन आवाम को नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। पहले पेट्रोल की कीमत होती थी 20 रुपए, पहले होती थी 40 रुपए, तो इन्होंने 20 रुपए टैक्स लगाया हुआ था। अब जब 20 रुपए हो गया तो इन्होंने 40 रुपए टैक्स लगा दिया, तो प्राइस वही है, आवाम को वही प्राइस है। उसकी वो जस्टिफिकेशन भी देते हैं, वो कहते हैं जी हमें रेवेन्यू जनरेशन की जरूरत है, हमें जो सब्सिडी माजी में दी हमने वो तो है, तो इसलिए फिर आवाम रो रही है, आवाम का खून इसलिए निचोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो एवरी सिंगल आइटम जो कि दुनिया में मार्केट में है उसका प्राइस आप बढ़ा देते हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन, ये जो आप में हम लोग इंटर सिटी जाते हैं, हमारे फेयर बढ़ गए हैं, सिटी के अंदर इंट्रा सिटी फेयर बढ़ गए हैं। और नहीं, अब एक बेचारा 10 रुपए रोज सुबह दे के ऑफिस आता है, 10 रुपए से 20 रुपए रोज, अगर एकदम उसको 40 रुपए देने पड़े तो उसके जेब से बजट वो कहां से जाएगा,
बच्चों के खाने में से जाएगा। तो ये एवरीथिंग अफेक्ट्स फूड। लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाना, परचेजिंग पावर बढ़ाना, ये हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग का सबसे सेंट्रल ऑब्जेक्टिव हुआ करता है। यहाँ पे तो इट्स द अदर वे अराउंड, कीमतें जो है 100% बढ़ती हैं और तनख्वाहें जो 50% भी नहीं बढ़ती हैं, तो कहाँ से परचेजिंग पावर बढ़ेगी और लोगों के साथ क्या होगा? अब तनख्वाहों पे मैं तो बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ ये जो इन्होंने दिया, एब्सोल्युटली अनफेयर, अनजस्ट।